ये देखिए हमारी शलगम कट के तैयार हो चुकी है। ऐसे पीसेस में काटनी है, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं। ये इसके लिए मटर है, ये प्याज है, प्याज में मिर्च मोटी मोटी है, अभी उसका कारण बताऊंगी इतनी मोटी क्यों काटी है। ये टमाटर है और ये चटनी है लाल मिर्च और लहसुन वाली। ये मैं मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ, थोड़ा पानी डाला, लाल मिर्च साबुत लेके आती हूँ और पानी डाल के उसको पीस के रख लेती हूँ, फ्रिज में हफ्ते भर के लिए चल जाती है। तो मैं सब्जी में यही मिर्च डालती हूँ, बाकी आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल के, और अभी जो मैंने बताया था आपको ये हरी मिर्च मोटी मोटी कटी, इसका तड़का लगाते हैं। उसके बाद हमें डालना है एक लहसुन की कली, मैंने काट के रखी थी बिल्कुल बारीक बारीक। फिर हमें डालना है प्याज, एंड ये लहसुन का तड़का, सॉरी मिर्च का, हरी मिर्च का तड़का लगाने से सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, बहुत डिलीशियस स्वादिष्ट सब्जी बनती है उससे। मैं हर सब्जी में हरी मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ, ताकि प्याज वगैरह सब बाद में डालती हूँ। वो देखिए आप, अब इनको प्याज थोड़े ब्राउन ब्राउन होने लगे तब तक भूनना है। और इधर हम बनाते हैं इसका मसाला। मसाले में क्या, एक चम्मच मैंने ये लाल मिर्च लिए, जिसमें लहसुन और लाल मिर्च का चटनी बनाई हुई थी, और इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, और एक चम्मच धनिया पाउडर। ये देखिए ये लाल मिर्च की चटनी दे रही नीचे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, हमें एक पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना देना है हमको। थोड़ा पानी और डाल दो, बस अच्छा सा पेस्ट बन गया मसाले का। ये देखिए प्याज सुनहरे से होने लगे हैं ब्राउन ब्राउन। अभी इसी टाइम हमें क्या करना है, इसमें डालनी है शलगम। और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें शलगम को। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमें इसे कवर कर देना है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है। ये देखिए बिल्कुल स्लो कर दिया गैस का फ्लेम। अब इसको 5 मिनट पकने देंगे। ये 2 मिनट हुआ है, इसके बाद देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है शलगम। अभी इसमें क्या करना है, हमें ये मटर डाल देने, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करके, और फिर से इसको कवर कर देना है। अब 3 मिनट बाद से देखते हैं। ये देखिए अभी हमारी शलगम काफ़ी हद तक पक चुकी है, तो अभी इसमें क्या करना है, हमको ये मसाला जो बनाया था ना वो मसाला डाल देना है। ये देखिए मसाला डाल दिया है, और ऊपर से उसमें थोड़ा सा एक चम्मच इतना पानी ऐड कर दिया है मसाले में, उसी प्याली को खोल के।
मसाला उसमें लगा रहता था ना, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको तरी वाली खानी है आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, अगर सूखी खानी है तो इसी तरह से बस इतना सा ही ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये हो गई मिक्स, और इसी टाइम इसमें हमें टमाटर डाल देने, इनको मिक्स नहीं करना है। आप टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं मिक्सी में पीस के, इसमें टमाटर कट करके डालती हूँ। थोड़ी देर इनको ऐसे ही ढक देना है, दो मिनट के लिए ढक देना है। बस 2 मिनट बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी सब्जी पूरी तरह से बनके तैयार है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए सब्जी में पानी भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा तरी वाली सब्जी खाते हैं तो जब मैंने अभी मसाला डाला था 2 मिनट पहले, टाइम मसाले के साथ इसमें और पानी ऐड कर दीजिए। मैंने अभी पूरी सब्जी में यानी एक चम्मच जितना पानी डाला है, शायद 50 ग्राम भी नहीं होगा, 400 ml। पानी इसमें, और अगर आपको नहीं बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए तो आप इसको ऐड, जो मसाले के साथ पानी रहता है इसमें बच जाता है, आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज कीजिए, अच्छे से ऐसे चलाते रहिए, थोड़ी देर में वो पानी भी सूख जाता है और हमारी शलगम की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है। अब आप इसको रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है शलगम की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।